सुनो, रक्षाबंधन आ रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो। रक्षाबंधन पर भाई पैसे देता है, पति नहीं, आया समझ? अरे भाई तो बाद में पैसा देगा, जब उसको राखी बांधूंगा। जब पहले तो पति पैसे देते हैं ना, मिठाई, राखी, रुमाल ऐसा खरीदने के लिए, कौन देगा? अरे वाह, खर्चा हमारा और फायदा तुम्हारा। ओह नो, आधे टेढ़े होके मत बोलो, सीधे सीधे बोलो, पैसे देना है कि नहीं। अरे पैसे तो तुम्हारे पास आना ही है, मैं खुद दे दूं या तुम मेरी जेब से निकाल लो, नुकसान तो मेरा ही है हर तरफ। भगवान दा मैं खुश रह के मेरी उम्र भी तुम्हें लग जा, सदा खुश रहो। साला पत्नी की बात मान लो तो पत्नी बोलेगी मेरी उम्र भी लग जाए, और नहीं मानो तो बोलेगी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चकर 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 चकर। बेचारा पति करे भी तो करे क्या? अच्छा मैं सोच रही मेरे भाई मैं यही बुला लूं। तुम्हारा भाई इस रक्षाबंधन पर यहाँ नहीं आएगा। और आए तो क्या कर लोगे? बिना टिकट कराए वो आता ही कहाँ है? टिकट कराऊंगा और क्या। ठीक है तो वो आ रही है। ठीक है, बुला लो अपने भाई को, लेकिन वो यहाँ पे आके ज्यादा हवा में नहीं उड़े, कह देना उससे। क्यों उड़ेगा भाई, ये मेरा कोई पतंग थोड़ी नहीं है तो उड़ता रहेगा। ठीक है, बुला लो उसे, लेकिन अगर वो यहाँ पे आके किसी से लड़ा तो मैं उसकी हड्डी चड्डी एक कर दूंगा। कैसे बोल रही है, सोच समझ के बोलो जरा, बका सामने आवाज तक भी नहीं निकलेगी। ओके, हड्डी चड्डी एक कर दूंगा, तुम्हारी मत करवा लियो, और कोई नहीं, वो मेरा भाई है, वो देखे तुमने, बका सामने तो भाई भाई आ, भाई साहब करते रहेगा, और अब कैसे बोल रही है, निकलो यहाँ से जाओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? वो मेरे साले साहब है, तू उसे बुलाएगी, राखी बांधेगी, मुझे कितना अच्छा लगेगा। फोकट नाराज हो रही, थोड़ा सुनो, बोले यार यार उसको अच्छा सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, पति को इतना चिल्ला रही। मेरी बातों का बुरा मत मानो करो, मैं तो मजाक कर रहा था। गुस्सा हो जाती है यार थोड़ा।